Hi friends, my name is Satvik Rajvadhwa. I'm from Panipat. I got to know about Akash Baijus through my school. I took admission in Akash in 2018 for 8th class foundation course, and the teachers and staff were very supportive. I appeared in ANTHE 2020 and received 100% scholarship. JEE Main ka paper matlab वैसे तो इजी कहूँगा मैं, पर कुछ क्वेश्चन थे मतलब जैसे ट्रिकी थे. काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती है, तो मतलब सिली मिस्टेक के काफ़ी चांस होते हैं. तो मतलब सिली मिस्टेक के अगर ध्यान रख के करें तो मतलब बहुत बढ़िया पेपर होगा. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई टाइम टेबल आपका सबसे ज़रूरी है. सुबह उठ के मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में क्या क्या करना है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कितनी रीडिंग करनी है. पहले आप सारे टारगेट सॉल्व कर लो आकाश के, जो स्टडी मटेरियल मिलता है. मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब उसमें जो भी आपके डाउट्स आएँ उसको आप टीचर से रिजॉल्व करो. एक भी डाउट अनसॉल्व नहीं छोड़ना चाहिए मतलब. और एनसीईआरटी मेन चीज़ है, उसको मतलब 10 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, मतलब जैसे 2 बार पढ़ ली याद ही नहीं हुई कुछ मतलब. तो फिर सर ने काफ़ी ट्रिक्स वगैरह बताई कि कैसे याद कर सकते हैं हम लोग. और जैसे कभी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो मतलब डीमोटिवेटेड हो जाता था मैं, तो मतलब सर लोग काफ़ी मोटिवेटेड कर देते थे. जेई की प्रिपरेशन के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स का रोल. और मतलब जैसे कभी भी डाउट्स आते हैं, रात को आते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर देंगे हम डाउट्स, तो मतलब उसी टाइम पे सोल्यूशन मिल जाएगा. कभी भी जैसे डीमोटिवेशन होती थी तो सर से बात कर लेते थे, वो मतलब अकेडमिक सपोर्ट मेंटल सपोर्ट दोनों दे देते थे. सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे एनसीईआरटी रीडिंग है, दिन में मिनिमम 2 से 3 घंटा आपको एनसीईआरटी रीड करना है. और फिर मैं कहूँगा मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट में जितने भी डाउट्स आए वो सारे डाउट्स सॉल्व कर दें, कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए. आकाश का स्टडी मटेरियल काफ़ी है, मतलब उसके अलावा एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखना चाहिए. जेई मेन तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जितनी बार भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार याद हो जाएगा. फाइनल टेस्ट सीरीज से काफ़ी एक्सपोजर मिला, और मतलब जैसे भी सिली मिस्टेक्स हुई थी उससे काफ़ी सीखने को मिला, और जो भी डाउट्स लिए उसमें मतलब पता चला कि कौन से टॉपिक्स वीक हैं हमारे. जेई की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, मतलब पूरे दिन में मैं ये इंश्योर करता था कि भाई मेरा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, और मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने सोचे हैं दिन में लगाऊंगा उतने कंप्लीट कर लूँ अपना काम. जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस सोचा कि भाई इतने टाइम में मैं ख़त्म कर लूँगा, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखता था कि उस टाइम स्लॉट में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा. मेरी 2 साल की जर्नी में पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जब भी मैं लो फील करता था तो मैं अपनी सिस्टर से बात कर लेता था, वो मुझे हमेशा मोटिवेट कर देती थी. जेई की प्रिपरेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हमें सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए जेई की प्रिपरेशन के लिए. जब भी मुझे पढ़ाई से ब्रेक लेना होता था तो मैं गाने गा लेता था, और कभी कभी टेबल टेनिस खेल लेता था. माई एक्सपीरियंस एट आकाश बाईजूस वॉज वेरी गुड, एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, एंड दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई डाउट्स. मेन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स की बात माननी चाहिए, और जो वो कह रहे हैं वैसा वैसा हमें करना चाहिए. बाकी एनसीईआरटी पे मेन फोकस रखना चाहिए, और जो आकाश के टारगेट वगैरह हैं मॉड्यूल्स उनको सॉल्व करते रहना चाहिए पूरा कंप्लीट.